सुप्रभातम प्रिय बालकः अहम सुमित्रा कुमारी वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संगरिया हनुमानगढ़ अद्य व्यम सप्तमी कक्षायाः संस्कृत विषयस्य चतुर्थ पाठः माहेश्वर सूत्राणि पठिष्यामः। माहेश्वर सूत्राणि, अब माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान नटराज शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी गई है। भगवान शिव थे ना, तो उनके तांडव नृत्य से ही इन चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि जो हैं इनकी उत्पत्ति मानी गई है। डमरू के 14 बार बजाने से 14 सूत्रों के रूप में ध्वनियाँ निकली। इन्हीं ध्वनियों से व्याकरण का प्रैकाट्य हुआ, इसलिए व्याकरण सूत्रों के आदि प्रवर्तक भगवान नटराज को माना जाता है। यानी इन माहेश्वर सूत्रों की जो उत्पत्ति है वो भगवान शिव के द्वारा ही मानी जाती है। चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि विस्तार पूर्वक हम पठिष्यामः। अयून रिलरिक एओं अयौच हयवरट लण यम गणनम जभे गर्दस जब गर्दस खप छठ थे चटतव कप्य ससर हल इति माहेश्वर सूत्राणि। कति माहेश्वर सूत्राणि? चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि। कति सूत्राणि? चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि। स्वरा अच है स्वरा भवंती अच ही स्वर होते हैं अर्थात ए ई ई उ उ री 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 ए ए ओ ओ आई आई औ औ एते स्वरा सन्ति ये स्वर हैं संयम राजन्ते इति स्वरा भवन्ति जो संयम उत्पन्न होते हैं वो स्वर होते हैं स्वराणाम उच्चारणम स्वरों का उच्चारण स्वतंत्रतया भवति स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों का जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से ही अपने आप हमारे मुख से बाहर आते हैं। स्वराणाम भेदा स्वरों के भेद हर्ष्व दीर्घ प्लुतः भवन्ति हर्ष्व दीर्घ प्लुत ये स्वरों के भेद होते हैं। अब हर्ष्व एक मात्रिका है स्वर हर्ष्व भवति एक मात्रिक जो स्वर होता है वो हर्ष्व होता है जिसमें बोलने में थोड़ा समय लगे वो हर्ष्व स्वर होता है। अब हर्ष्व स्वर कौन कौन से होते हैं यथा ए ई उ री लि इति अब पंच स्वरा हर्ष्व स्वरा पंच स्वरा हर्ष्व स्वरा दीर्घ है द्विमात्रिक स्वर दीर्घ भवति द्विमात्रिक स्वर दीर्घ होता है द्विमात्रिक स्वर दीर्घ होता है यानी जिस स्वर को बोलने में थोड़ा दुगना समय लगे क्या लगे दुगना समय लगे वो द्विमात्रिक स्वर दीर्घ ही कहलाता है। यथा जैसे आ ई उ री ए आई ओ औ इति प्लुतः त्रिमात्रिक स्वर त्रिमात्रिक स्वर प्लुतः भवति प्लुत होता है कि जिस स्वर को बोलने में तिगुना समय लगे
कितना समय लगे? तिगुना समय लगे। वो स्वर त्रिमात्रिक स्वर प्लुत होता है। क्या होता है? त्रिमात्रिक स्वर प्लुत होता है। हाँ, जैसे जैसे ए, 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 इस प्रकार स्वराहा द्वाविंशति भवन्ति। इस प्रकार स्वर 22 होते हैं। अब पंच हर्स्व स्वरा अष्ट दीर्घ स्वरा और नव प्लुत स्वरा। उदाहरणानि दधि अस्ति इत्यत्र यहाँ दधि शब्दे हर्स्व इकारे अस्ति। अब ये दधि जो शब्द है, इसमें दधि में जो धी है, इसमें हर्स्व ई है। क्या है? हर्स्व ई है। दूसरा उदाहरण है इसका, कुमारी सेते इत्यत्र कुमारी शब्दे कुमारी शब्द में दीर्घ इकार अस्ति दीर्घ इकार है। अब कुमारी शब्द के अंदर जो री है, री के अंदर दीर्घ इकार है। क्या है? दीर्घ इकार है। अब तीसरा उदाहरण है इसका, आगच्छ देवदत्त अत्र लेखनी अस्ति आगच्छ देवदत्त अत्र लेखनी अस्ति तो इत्यत्र देवदत्त शब्दे अंतिम अकार प्लुते अस्ति अंतिम अकार पुलुत है। इदानीम अभ्यास कार्यम करिष्यामि। ई इति स्वरे अस्ति हर्ष्व। दीर्घ स्वरे भवति, दीर्घ स्वर होता है द्विमात्रिक। द्वितीय प्रश्न, रिक्ति स्थानानि पूरयन्तु। रिक्ति स्थान स्वरा भवन्ति, अच है स्वरा भवन्ति। त्रिमात्रिक रिक्ति स्थानं भवति प्लुत। तृतीय रिक्ति स्थानं हर्ष्व है, रिक्ति स्थानं भवति एकमात्रिक। चतुर्थम रिक्ति स्थानं प्लुत है, रिक्ति स्थानं भवति त्रिमात्रिक है। तृतीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, के स्वरा भवन्ति, अचः स्वरा भवन्ति, प्लुत स्वरा के सन्ति, प्लुत स्वरा त्रिमात्रिका है भवन्ति, दृक् स्वरा के सन्ति, दृक् स्वरा द्विमात्रिका है भवन्ति, कस्य स्वर वर्णस्य दृग् रूपं न भवति, किस स्वर वर्ण का दीर्घ रूप नहीं होता। लृ स्वर वर्णस्य दीर्घ रूपं न भवति। धन्यवादम।